रोहतास में माँ तारा चंडी पीठ भारत के 52 पीठों से सबसे पुराना पीठ माना जाता है, जो बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में मौजूद है। पुराण के अनुसार उनके पत्नी सती अपने पिता के घर अपने स्वामी को अवमानना होने पर जब आत्मदाह की, भगवान शिव क्रोध में आकर सती के सबको उठाकर भयंकर तांडव नृत्य करने लगे। उसी में विश्व ध्वंस होने का खतरा रहा। भगवान विष्णु शिव को रक्षाया करने ही तो आपने सुदर्शन चक्र भेजकर सती के सबको खंड खंड करा दिए। वो सभी खंड भारत उपमहादेश के विभिन्न प्रांत में गिरे। वो सभी प्रांत को शक्तिपीठ माना जाता है और हिंदुओं के लिए सभी पीठ ही बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। माँ तारा पीठ पर सती की दाहिने आंख पड़े थे। यहाँ एक अति प्राचीन मंदिर जिनमें माँ सती मंदिर कहा जाता था, उसे माँ तारा की आवास कहा जाता है। जब हमारे संवाददाता शिव कुमार ओझा ने मंदिर के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर का बहुत ही महत्व है। लोग देश के कोने कोने से माँ के दर्शन के लिए आते हैं। आइए आपको सुनाते हैं। हम अभी मौजूद हैं रोहतास जिले के माँ तारा चंडी के धाम में और हमारे साथ बात करने के लिए मंदिर के ही मौजूद हैं, मंदिर में ही रहते हैं। कुछ माँ तारा चंडी के महत्व के बारे में जानेंगे हम लोग और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि माँ तारा चंडी के मंदिर का क्या महत्व है रोहतास जिले में, पूरे भारत में लोग आते हैं यहाँ पे। आपका तो पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, ये माँ तारा चंडी धाम सासाराम स्थित है। यहाँ सती का एक मनवा अंग गिरा, नेत्र गिरा और माँ तारा चंडी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहाँ जहाँ सती का अंग गिरा, 51वां शक्तिपीठ में इनका स्थान है या बिंद पर्वत पर मौजूद है। और माँ का महत्व यही है कि जो भी माँ के दरबार में दर्शन अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, उनकी माँ मनोकामना अवश्य पूरी। धीरे धीरे यहाँ बहुत दूरों दूरों से आदमी आते हैं। ऐसे तो भीड़ लगता है चैत नवरात्र में और सावन शुक्ल पक्ष में, आश्विन नवरात्र में यहाँ बहुत भीड़ लगता है। हर पूर्णिमा को यहाँ भीड़ लगता है, आदमी दर्शन करते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूर्ति करती रहती है। यहाँ सहस्रबाहू से युद्ध करने के लिए परशुराम जी तपस्या किए हैं, इसका भी प्रमाण मिलता है यहाँ पर माँ तारा चंडी के धाम पर। यह आदि शक्ति माँ तारा चंडी जो अब सभी बाधाओं को दूर करने वाली माँ और अपने भक्तों पर को आशीर्वाद अर्पित करनी माँ, यह माँ तारा चंडी है और सभी को दुख हरण करती है जो भी माँ के दरबार में दर्शन करते हैं। हर साल यहाँ पे तारा चंडी महोत्सव भी मनाया जाता है। जी, लगभग कितने वर्षों से महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है? यहाँ कम से कम 15 साल से पहले जागरण होता था, अब छोटा मोटा जागरण होता था। शहर की कलाकार, अगल बगल के कलाकार आके अपना मांग में हाजिरी लगाते थे, लेकिन उसको बृहद पैमाने पर बड़े मंच पर उसको ले आके महोत्सव की मनता है, जो चैत नवरात्र के सप्तमी के दिन मनता है यहाँ पर। यहाँ पे तो शादी विवाह भी होता है। जी, शादी विवाह बाहर से लोग आते हैं। जी, तो यहाँ पे रहने और जो भी तरीके से रह के करते हैं उसका क्या व्यवस्था किया गया है? यहाँ रूम वूम बना हुआ है, तो जो रूम दिया जाता है उसके लिए कोई शुल्क भी वगैरह है? जी, शुल्क है, माँ का फंड में वो पैसा जाता है, वो विकास के कार्य में होता है। मंदिर के विकास के लिए वो फंड लिया जाता है? जी जी जी, मंदिर के विकास के लिए वो फंड लिया जाता है और सबको अपने जो दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मंदिर का क्या टाइमिंग है, जो आएंगे श्रद्धालु तो दर्शन हो जाएगा, और मंदिर कब बंद रहती है दिन में? मंदिर सुबह में 4 बजे माँ का स्नान आरती होने के बाद मंदिर का पट खोल दिया जाता है और दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक मंदिर का पट बंद रहता है और संध्या 8 बजे के बाद माँ के भोग लगने के बाद और आरती होने के बाद माँ का पट बंद कर दिया जाता है और उसके बाद बंद रहता है। तो अभी आप सुन रहे थे माँ तारा चंडी के बारे में बता रहे थे कि क्या महत्व है यहाँ का। हम आपको आगे भी दिखाएंगे, माँ तारा चंडी का दर्शन भी आपको कराएंगे। अपने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ मैं शिव कुमार ओझा, न्यूज़ 9 रोहतास।